सिलीगुड़ी में संतरा व्यापारियों को उत्पादन में कमी के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दार्जिलिंग, कर्सियांग और कलिम्पोंग में संतरे का उत्पादन स्तर नीचे चला गया है। सिलीगुड़ी के कारोबारियों के मुताबिक ये घटकर 30% रह गया है। आज से 15 साल पहले करीब इधर इस टाइम पे नवंबर का एंड में, जनवरी या दिसंबर का फर्स्ट में आपका जो अभी संतरा आ रहा है वो 30% है। मतलब अभी संतरा सब खत्म हो गया पहाड़ का, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी है संतरा है ही नहीं। मतलब 30% ही बचा, वो भी आने वाले समय में वो भी नहीं रहेंगे। इसका मेन रीजन जो है ग्लोबल वार्मिंग है, जो समय के साथ साथ इतना गर्मी बढ़ रहा है, इतना गर्मी बढ़ा है पहाड़ में, पहले नहीं बढ़ता था, अभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसके कारण संतरा भी होना मुश्किल हो रहा है। 20-20 ट्रक डेली 20-18 गाड़ी का, बड़ा गाड़ी, अभी तो उसका गाड़ी का पते नहीं, वो गया बाजार। अभी कितना बेच रहा है? अभी आ रहा है पांच पिकअप में आ रहा है, बड़ा गाड़ी तो माल नहीं आ रहा है, पिकअप में आ रहा है 5-6, 4-7, 8-5 अभी बस। अभी तो संतरा एकदम नहीं हो रहा है, एकदम कम, पहले से आधा, एकदम आधा से भी आधा हो गया, एकदम कम हो गया। उसका देखभाल में भी अभी तो जैसा आगे जैसे नहीं कर रहे है। अभी आजकल एकदम पानी भी इतना नहीं है, पानी भी नहीं है, और फिर उसमें जैसे गवर्नमेंट से तो कोई हेल्प नहीं हो रहा है, मल वगैरह कुछ भी। हम लोग का गाय का वो भी गोबर बोलते हैं ना हम लोग, वो भी एकदम ठीक से नहीं दे सकते, क्योंकि अब ज़्यादा तो लेबर भी नहीं मिलता, गाय भी इस तरह से सबके घर में नहीं होता है, तो गोबर भी एकदम कम मिलता है, उसको भी डालना चाहिए था, वो भी नहीं अभी तक डाल रहे, इसलिए भी शायद। अब जहाँ तक है संतरे के कम उत्पादन के कारण इसके रेट में भी उछाल आएगा।